हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, अगर आज के इस वीडियो में देखेंगे तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में। दोस्तों, और टाटा मोटर्स के शेयर में देखें तो आज के दिन हमें 5.70% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि अब 6% के आसपास हो गई है। और दोस्तों, अगर हम देखें तो फिलहाल शेयर मार्केट ऑन है, तो इसी के वजह से यहाँ पे हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम देखें तो पिछले 2 दिनों में टाटा मोटर्स के शेयर्स के अंदर अगर हम देखें तो अप टू 10% के ऊपर की बढ़त देखने को मिल रही है, यानी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर आप ये 5 दिनों का डेटा देख पा रहे होंगे तो इसमें हमें लगातार अगर हम देखें तो 244 के बाद से ये 274 के आसपास आके रुका हुआ है, और अभी इसके बाद भी ये बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, इसी का रीज़न हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों, अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर को फॉलो करते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो टाटा मोटर्स के शेयर से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो टाटा मोटर्स के शेयर में आज भी हमें 6% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और पिछले 2 दिनों के अंदर अगर हम देखें तो अप टू 10% के आसपास की इसमें ग्रोथ देखने को मिली। दोस्तों, ये ग्रोथ के पीछे अगर हम कारण देखें तो CLSA की रेटिंग है। CLSA की रेटिंग अगर हम देखें तो CLSA ने इसे बाय कॉल दिया है। आप ये न्यूज़ पढ़ पा रहे होंगे, टाटा मोटर्स शेयर प्राइस गेन्स एज CLSA रिटेन्स बाय एक्सपेक्ट टर्न अराउंड इन JLR इंडिया बिजनेस। दोस्तों, इस न्यूज़ के बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे तो। द ग्लोबल रिसर्च फर्म हैज़ रिटेन्ड बाय ऑन द स्टॉक विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 290 पर शेयर। दोस्तों, इसकी टारगेट प्राइस 290 रुपीज़ रखी गई है अकॉर्डिंग टू CLSA। CLSA ने इसे 290 रुपीज़ के आसपास की टारगेट प्राइस दी है और बाय कॉल के साथ इसे दिया है, री रेटिंग इसे किया है, जिसमें CLSA ने इसे बाय कॉल दिया है। अगर मैं आपको इस न्यूज़ को पढ़ के सुनाऊँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टाटा मोटर्स शेयर हैज़ गेन्ड ओवर 2% इन द मॉर्निंग सेशन ऑन January 19। दोस्तों, ये January 19 यानी कल की न्यूज़ है, लेकिन इसी के पीछे दोस्तों अगर हम देखें तो यही कारण है कि आज भी टाटा मोटर्स के शेयर में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, सेम ग्रोथ। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो द ग्लोबल रिसर्च फर्म हैज़ रिटेन्ड बाय ऑन द स्टॉक विद द टारगेट प्राइस ऑफ 290 पर शेयर। CLSA ने टाटा मोटर्स के शेयर को 290 रुपीज़ का टारगेट दिया है पर शेयर पे, और इसी के वजह से दोस्तों अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स के शेयर में हमें अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे भी जो CLSA ने कारण बताए हैं उस कारण पे दोस्तों हम जाएंगे। JLR यानी कि जो टाटा मोटर्स का जैगवार लैंड रोवर का बिजनेस है इंडिया में, उसका अच्छा खासा टर्न अराउंड हो सकता है इस साल, और इसी के वजह से दोस्तों अगर हम देखें तो CLSA ने इसे बाय कॉल दिया है विद 290 रुपीज़ टारगेट प्राइस, जो कि टाटा मोटर्स के JLR यानी जैगवार लैंड रोवर के बिजनेस को देखते हुए दिया है। इसी के बाद दोस्तों अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में आ जाते हैं तो इस बार भी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में इन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों इनका लॉसेस अगर हम देखें तो दोस्तों इनका लॉस बहुत कम हुआ है। पिछले बार से अगर हम देखें तो 9671 करोड़ से सीधा ये 348 करोड़ रुपीज़ के आसपास लेके आए हैं इस नंबर्स को, ये यानी कि इनके लॉसेस कम हो रहे हैं। और इसी के वजह से अगर हम देखें तो CLSA ने JLR यानी जैगवार लैंड रोवर के बिजनेस जो कि इंडिया में होने वाली है उसी से रिलेटेड एक्सपेक्ट किया है। और इसी के साथ दोस्तों यही आज की न्यूज़ है जिसके वजह से दोस्तों अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स के शेयर में हमें बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि फिलहाल भी 6.30% के आसपास ये बढ़त है, और फिलहाल ये रुका नहीं है दोस्तों, शेयर मार्केट बंद नहीं हुआ है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।